हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का पकौड़ा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही आसान। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंग दाल का पकौड़ा बनाने की सामग्री है 1 कप मूंग दाल हमने लिया, जिसे हमने 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद हमने अच्छे से धोकर पानी को अलग कर लिया है। 1 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है। 1 कप हरा धनिया पत्ता, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर। पकौड़े तलने के लिए तेल। दाल को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मूंग दाल को हमने दरदरा पीस लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ धनिया पत्ता, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया पाउडर और जीरा। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम पकौड़े तलेंगे। पकौड़े तलने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है और अब हम पकौड़े तलेंगे। देखिए, पकौड़े को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम पकोड़े को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े को तलकर तैयार करेंगे। मूंग दाल का पकौड़ा बनकर तैयार है। मूंग दाल का पकौड़ा आप भी बनाइए और गर्मा गर्म हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।